चलो भाई पहुंच गए। एक मिनट। तो यार सेटअप पर हम आ चुके हैं अपने छोटे से बेबी को लेके। इसको पहचाने आप लोग? नहीं पहचाने तो मैं अभी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो यार आते ही ना मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है, और ये जो बेड़ा गर्क हुआ है ना हमारे सेटअप का अभी फ़िलहाल, इसको देख के बड़ा दिल रोता है यार, यकीन जानो। खैर से यार चंद दिनों में हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको सेट कर देंगे, बट ये अभी बड़ा प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, देख रहे हो। सबसे पहले तो यार इसको मैं यहाँ रखूँ। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये इस हालत में क्यों है, हालत क्या मतलब इसके अंदर क्यों है। तो यार दोस्तों सुबह की बात है, ये सुबह जब मैं सेटअप पर आया दाना पानी करने सारों को, तो भाई इसके माँ बाप ने ना इसको, वो जो है ये उनका बच्चा है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो कल की वीडियो देखी उन्हें पता चल जाएगा। तो यार इसको उन्होंने बाहर फेंका हुआ था अपने घोंसले से, और खाना बिल्कुल भी नहीं खिला रहे वो। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने इसको देखें पेटा भरा है इसका, शायद ये देखें पेटा हल्का फुल्का भरा हुआ, तो अभी अभी मैंने भरा है। तो उन्होंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है, और जो एक और बच्चा है ना वो इतना बड़ा साइज का हो गया है, तो वो तो खुद खा पा रहा है, पर ये बेचारा जो है ना कमज़ोरी और छोटेपनी की वजह से ना खा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको आया ही नहीं है खाना, ना उन्होंने खुद ने ज़्यादा खिलाया, ना ये खुद बेचारा साइज़ में इंक्रीज़ हो पाया, तो इस वजह से ना ये जो है छोटे रह रहे हैं। तो अब ये काम है यार कि अब ये हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है, तो इस वजह से मैं इसको दोपहर में नीचे ले गया था अपने साथ। और अब जो जिम्मेदारी की बात है वो ये है दोस्तों कि इसको जो है ना अब मैंने पाल के बड़ा करना है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैंने पहले भी एक कबूतर पूरी कोशिश की थी, पर यार वो दानों की वजह से बीमारी की वजह से मर गया था। पर इसका जो है ना यार हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम सही से पालें। और पिछली वीडियो में मेरे को कमेंट भी आया था कि यार इस कबूतर को ना बच्चे को आप टेम कर लें, तो यार मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग बताएं मुझे कमेंट में और क्या मैं टेम करूं इसको या नहीं। मैं वैसे अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पर आप फिर भी कमेंट में बताएं कि इसको टेम करें या नहीं, और इसका एक प्यारा सा छोटा सा नाम सजेस्ट करें मुझे जो हम इसका टिंकू का रख दें। तो यार आज जो है ना हमारी ब्राउनी के पसंद का खाना है, ये देखें वही सारा प्याज चावल वगैरह पत्ती वगैरह सब जो मिक्सचर है, क्योंकि ब्राउनी जो है ना हमारा वो बिल्कुल भी शौक से नहीं खाता बाजरा वगैरह, वो ज़्यादातर इसी पे पला ना, शुरू से मैंने ही खिलाया तो इसी पे पल गया है वो। खैर से बाजरे की मैंने आदत डाल ली है। चले यार तो ब्राउनी को खोलता हूँ मैं जल्दी से, और दिखाता हूँ आप लोगों को कितनी शौक से, देखिएगा वो टूट के पड़ेगा इस खाने पर। आ जाओ भाई ब्राउनी तुम्हारी बारी, ये देखें दोस्तों कैसे पड़ा, फौरन से आया, वरना ये मुंह भी नहीं मारता, बाजरा उस दिन डाला था मैंने तो ये मुंह भी नहीं मार रहा था। माशाल्लाह से यार ब्राउनी कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है पता भी नहीं चला, देखें इसको कितना बड़ा इसका कद हो गया, पंजे देखें माशाल्लाह यार। तो आ जाए भाई, आ गए अब हम अपनी डफ के पास, ये देखें माशाल्लाह। तो यार एक कमेंट आया था मेरे पास, उसमें एक भाई ने हमें बताया भाई कि ये जो आपके पास डव है भाई ये मेल है, तो शुक्रिया यार बहुत बहुत बताने का, इससे मेरी बहुत हेल्प हो गई। अब अगर हमें इसके साथ लानी होगी तो फीमेल, बट उसने बोला ये अभी एडल्ट मेल है, यानी कि जवानी पर है, फुल जवानी हुई है, तो ये एडल्ट है यार अभी देखते हैं हम इसको, क्योंकि बड़े होने में थोड़ी टाइम लेगी। तो मेरे हिसाब से ना जब ये मेल है तो इसके साथ यार फीमेल हम जल्दी ला के डाल देंगे। और आप लोग बताएं कि यार इसको मैं रखूं अपने पास या फिर बड़ी वाली लेकर आऊं, जो एक आती है इसमें बिग साइज़ और एक होता है ये छोटे वाला साइज़, तो बड़ी वाली मेरे हिसाब से यार ज़्यादा अच्छी रहती है। इसका बताएं आप लोग, इसका रखूँ या फिर इसको दे के बड़ी लेकर आ जाऊँ, या फिर इसे ही रखें और इसके साथ फ़ीमेल लेकर आ जाएँ, तो ये आप लोगों पर छोड़ो, आप लोग लाजमी कमेंट में बताएँ, फिर मैं फ़ैसला करता हूँ पक्का। हाँ भाई कहाँ गए थे, कब से वेट कर रहा हूँ मैं, पता है तुम्हारे को किससे गए थे, काम थे, चलो आ जाओ ऊपर गेट खोल ले, नीचे ऊपर आ जाओ। तो यार फुरकान जो है ना वो नीचे से आ रहा है भाई, उसको लेने गए, मैं उसको बोलूँगा कि ये है ना हम पैरोट लाएँ, यानी कि तोते का बच्चा लेकर आएँ, गिरे पैरोट नहीं होता उसका बच्चा, देखते हैं वो बनता है बेवकूफ़ या नहीं, वैसे है नहीं इतना, पहचान जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करते हैं प्रैंक। आ जाओ भाई आ जाओ, देखो तुम्हारे उसके लिए हमने वेलकम के लिए लगवाई है झड़ियाँ थोड़ी थोड़ी। नहीं सही कब होगा, खूबसूरत लग रहा है ना, नहीं अच्छा तो लग रहा है, देखो ना हवा खुली खुली जा रही है, इधर से भी जा रही है उधर से भी जा रही है, अगर खुली खुली बारिश हो गई ना तो यहाँ से ही पानी आएगा, यहाँ से ही पानी, नहीं नहीं अल्लाह बेहतर करेगा। खैर एक चीज लाए हम तुम्हारे को, पता है एक बड़ा प्यारा सरप्राइज आया, मैंने दिखाना था तुम्हारे उस पर रह गया, तुम दिखाते हो उसको और मैं पकड़ के दिखाता, पर तुम गायब ऐसे लगे पड़े हो सुबह से, दिखाऊं इधर आओ, ये देखो ये हम लाए पैरोट बेबी, गिरे पैरोट का बच्चा, कैसा है यार, छोटा बहुत है साइज का, छोटा नहीं है साइज का बहुत ज्यादा, सही है वो बच्चा है तो वो होगा ना छोटा, छोटा बहुत है साइज का, है कैसा जबरदस्त, सही है, काटता है, नहीं नहीं काटेगा क्यों, चोंच अलग टाइप की नहीं है बहुत, बिल्कुल मैंने बोला यार तोते टाइप की चोंच नहीं है इसकी, ये देख
है? कैसा लग रहा? हिल जाएगा ये? पक्की बात है बेटा? चलो यार, तो कैसा प्यारा लगा? हाँ, अब एक हकीकत बताऊं बेवकूफ। यार कुछ तो बंदाओ कर ले, इसकी चोंच से तुम्हें कहीं लग रहा है ये कि तोते का बच्चा है? अबे तो तुम बोलते हो तोते का बच्चा। अल्लाह के बंदे, ही उसका बच्चा है जो छोटा, जिसकी यार मैंने तुम्हारे को दिखाया था, ये देखो, तुम्हें याद नहीं है? अबे कसम से फुरकान, इतनी नहीं होती। खाना खिला रहे इसके सामने, मैंने 2 दिन से ब्लॉग बना रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ ये बच्चा, कि यार ये कबूतर का बच्चा है, इसको खिलाएंगे, इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि माँ बाप ने छोड़ दिया। और बड़े मजे से बोल रहा, अच्छा बड़ा प्यारा यार हसन भाई, ये गिरे पैरोट का बच्चा ऐसे नहीं होता, उसके साइज बड़ा होता है, गिरे पैरोट इतना बड़ा होता है ये देखो। और उसकी जो चोंच होती है ना, तोते जैसी होती है, वो ऐसी नहीं होती है, छोटी सी। अकलमंद थोड़ा क्या हुआ? नहीं नहीं सुनामी नहीं है, मैंने इसकी यार बीटे साफ करने के लिए रखा है, इसको आगे करो और इसकी बीट वाली जगह पर रख देता हूँ ताकि साफ सुथरा रहे। तो यार एक चीज मैं दिखाऊं, इधर आओ फुरकान, ये दोनों दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ। तो यार भाई ये तो भेज दिया। अरे यार गई पेंट खराब कर दी, इधर नहीं 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 मारेगा वो, मारेगा। बच गए दोनों, बच गए। वैसे यार मैंने इनको इसलिए निकाला है दोस्तों, तो मैं बताता चलूं कि इन दोनों के यार मैंने नाम पूछे थे आप लोगों से कि इनके नाम क्या रखे हैं, इसका और इसका। तो एक ही मेरे पास कमेंट आया था जिसमें एक बच्चे ने बोला हुआ कि इन दोनों के नाम आप चिंटू मिंटू रख दें। तो भाई इन दोनों के नाम मैंने चिंटू मिंटू रख दिए तुम्हारे कहने पर, बस तुमने बोला और हो गया काम। चिंटू मिंटू, अच्छा चिंटू मिंटू किसी को भी बुला लेना भाई, मैं भूल जाऊँ, कहीं जाहिर सी बात है एक जैसे तो है दोनों, क्यों फुरकान? ये गिरे वो कह रहा है यार, और अगर मैं दिमाग से निकल जाए चिंटू मिंटू, चलो ये चिंटू है मिंटू, बताओ कौन मिंटू है कौन चिंटू है? ये मिंटू है, चिंटू है। हाँ तुम्हें पता ही नहीं है, बोला ये मिंटू है चिंटू है, ख्याल करो, अभी भूल गए, अभी भूल गए। तो खैर सर, चिंटू मिंटू दोनों के नाम है, किसी को भी चिंटू बुला लो मिंटू बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के नाम हमने चिंटू मिंटू रख दिए। हसन भाई, हाँ तुमने सबका नाम रखा हुआ है, इसका नाम क्या रखें? इसका हाँ, अभी एक तो दिन हुआ है सिर्फ आए हुए, इसको अभी से नाम रख दूँ? अभी मैं कुछ दिमाग में आ रहा है अच्छा सा नाम। तुम्हारे दिमाग में? हाँ। यार पहले तो एक काम करो, देखो इसको एक दिन हुआ है, कल ही लाए अपन, और एक दिन हुआ है और अभी बहुत ज्यादा नहीं है, चुलबुल पना मचाया हुआ इसने, देखो इधर उधर घूम रही है पागलों। किसी का नाम है? किससे? जो तुमने अभी कहा है ना। क्या बोला है, क्या मतलब, क्या क्या करा हुआ है इसने, क्या करा हुआ है, क्या मेरे जो अभी आपने कहा है ना, किसने क्या मचाया हुआ है, क्या मचाया हुआ है, आफत मचाई हुई है, तूफान है, बदतमीजी घूमे जा रही है इधर उधर। हम इसका नाम रखते हैं चुलबुली। चुलबुली? हाँ घूमे जा रही है ना। नाम तो प्यारा है, पर एक काम करो यार, देखो हम ना व्यूवर्स की उस पे रखते हैं चॉइस पे, उनका भी मैंने चिंटू मिंटू नाम रखा है तो चॉइस पे रखा है, इसने बोला था, तो तुम्हारा चुलबुली नाम पूछ लेते हैं, हम पूछ लेते हैं। तो यार आप लोग कमेंट में बताएं इसका नाम हम चुलबुली रख दें, हमारे पास जुड़। लेकिन एक मिनट, ये तो मेल है, फीमेल थोड़ी है, फिर चुलबुला रख दो। चुलबुला? चलो तो भाई चुलबुली नहीं, चुलबुला, अगर आप लोगों को नाम समझ आ रहा है तो कमेंट में बताएं इसका नाम चुलबुला रख दें, फिर इसके साथ एक चुलबुली लानी पड़ेगी हमारे को। तो कैसे आप लोग बताएं, और इसका मैंने आप लोगों को पूछा है कि इसको रखें या नहीं रखें, आजाद करें या फिर दूसरी बड़ी डब ले आए, तो मुझे कमेंट में सारी चीजें बताओ यार, और जल्दी से बताओ कि क्या करना है। तो यार सबने जो है दाना पानी मैंने कर दिया दोस्तों सारों को, और ना दिन ढल गया पूरा, अजाने भी हो गई हैं देखें ना पूरा, और ये पता नहीं क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? यार वो सुनो, डब जो आपने कहा था ना, कौन सी? वो जो तार पे बैठी थी, वो बड़ी वाली डब, तो उसका क्या? वो पकड़ेंगे अपन, ट्रैप करेंगे, ट्रैप करेंगे, ट्रैप करेंगे भाई डफ। यार देखो मैंने पूछा तो था काफी बंदों से, पर कुछ लोगों का कमेंट आया था कि प्लीज यार उसको ट्रैप मत कीजिएगा, वो ट्रैप करने का इसलिए मना कर रहे थे कि यार उसके बच्चे ना हो तो आप लोग देख लें, और वो अगर बच्चे अगर हुए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो आप ट्रैप कर लें रख लें। तो फिर मैंने ना एक और हल सोचा हुआ है जो मैं तुम्हारे को ना बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, हम उसको ट्रैप करेंगे, पर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है, ठीक है? तुम्हारी भी वो रख लेंगे और जो हमारी ऑडियंस है उनको भी रख लेंगे दिल, उनको भी बहुत अच्छी लगेगी, उनको भी पसंद आएगा जो मैंने सोचा है, ठीक है भाई? ठीक है ना भाई? डन। तो यार दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं हम इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। ये मेरी नकल उतार रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, नकल उतार रहा है।